हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है डेट भी अमाउंट भी। दूसरा पॉइंट ये कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये परफेक्शन नहीं आएगा। इसी रेस्पेक्ट में हम आपको के साथ एक सवाल शेयर करेंगे और उसको फिर सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो थंब रूल है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है स्टार्ट विद ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। आपको शुरुआत हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के साथ करनी, यानी उस कैपिटल के साथ शुरू करें जो पहली तारीख को आपके पास मौजूद रहा हो। दूसरा पॉइंट है कि चार्ज फॉर द पीरियड इट वॉज इन्वेस्टेड इन टू बिजनेस, उतने महीने के लिए कैलकुलेट कीजिए या चार्ज कीजिए जितने महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रहा हो। यानी कि मंथ का बहुत बड़ा सा रोल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। मंथ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सवाल सुनेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे बोर्ड पर। एक्स वाई एन जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 ₹5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रेस्पेक्टिवली। On 1st July 2019, they introduced further capital of ₹1,80,000 and ₹50,000 respectively. On 1st Feb 2020, Y withdrew ₹15,000 from his capital. Interest is to be allowed at the rate 8% per annum on capitals. Compute interest on capital for the year ending 31st March 20. अगर इसको अपनी जबान में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो आप कह सकते हैं कि तीन पार्टनर्स एक फर्म में हैं और उनकी 1 अप्रैल को यानी कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए रही थी और 1 जुलाई को उन लोगों ने, तीनों ने 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 50,000 रुपए फर्दर इंट्रोड्यूस किए या एडिशनल कैपिटल ऐड की। और 1 फरवरी को मिस्टर वाई ने अपनी कैपिटल से 15,000 रुपए निकाल लिए। 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो डेज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने क्या काम किया है कि एक टाइमलाइन बना रखी है। आप देख रहे हैं टाइमलाइन, ठीक है। तो इसमें डेज कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। आप बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, मिस्टर एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने अप्रैल के इस पूरे महीने में पैसे लगाए एक रकम, फिर ये भी पूरे महीने में सेम, यानी कि अप्रैल, फिर मई और फिर जून, और 1 जुलाई यहाँ से अपना जो है अमाउंट बदल दिया, चेंज कर दिया। यानी शुरुआत के 3 महीने उसकी जो पहली वाली कैपिटल थी यानी फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट रहे और रिमेनिंग जो ये 9 मंथ देख रहे हैं वो उसकी बाकी कैपिटल यानी 6 लाख रुपए लगी रही। और सवाल में आपने अगर पढ़ा या सुना उसको ध्यान से देखा होगा तो शुरुआत तो 5 लाख से की थी, बाद में 1 लाख एडिशनल कैपिटल लगा दी गई थी। यानी कि शुरू के 3 महीने, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून के पूरे, इन 3 महीनों में उसकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट रही। इसके बाद 1 लाख रुपए फर्दर इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहां से कैपिटल उसकी बदल के 6 लाख हो गई है और बाकी 9 महीने 6 लाख कैपिटल लगी रही। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात करें, अगर हम लोग वाई की बात करें तो वाई ने अप्रैल, मई और जून 3 महीने उसने 4 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी थी और उसके बाद यहां से लेकर फरवरी तक यानी यहां तक उसने 4,80,000 कैपिटल लगा रखी थी। यहाँ पर उसने कैपिटल फिर चेंज कर दी, यानी कि शुरू के ये 3 महीने हो गए, ये 7 मंथ हो गए और ये आपके यहाँ पर 2 मंथ हो गए। इस तरह पूरा 12 महीने कंप्लीट हो गया। आप टाइमलाइन में इसको काउंट कर सकते हैं, जिस महीने में जितनी कैपिटल है उसको अलग अलग सेगमेंट कर लीजिए, आपको बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं। कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग एक्स को डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमको रकम डिसाइड करनी होती है। तो मैंने सबसे पहले रकम ले ली 5 लाख रुपए और उसके बाद से बढ़ा कैपिटल कितनी करती 6 लाख, मैंने 6 लाख रख दिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाने की बात करें 8% का रेट लगा, 8/100 यहाँ भी कर दिया। शुरुआत के 3 महीने 5 लाख लगे थे उसका कैलकुलेशन किया गया, फिर बाद में 6 लाख हो गई, बाकी बचे 9 महीने। एक और बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट है कि ये 3 और ये 9 मिलाकर आपका 12th हो जाना चाहिए। 12 साल में 12 महीने, तो 12 महीने हो जाना चाहिए। अब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये 46,000 की रकम आ जाएगी आपकी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको सबको? देखिए फिर से क्लियर करिए, पहले आप रकम डिसाइड कर लिए कि कैपिटल कितनी कितनी कैपिटल लगी रही है। तो मैंने पहले 5 लाख रुपए कैपिटल लगी थी, फिर 6 लाख लगा दी गई, 1 लाख बढ़ा दी गई थी, ऐड कर दी गई, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में कॉमन रहेगा। मंथ आपको टाइमलाइन से डिसाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं वाई की तरफ। वाई की बात करें तो वाई ने शुरुआत में कितने पैसे लगाए थे? 4 लाख 4 लाख रुपए लगाए थे, मैंने 4 लाख ले लिए। उसके बाद 80,000 इंट्रोड्यूस किए थे, एडिशनल कैपिटल लगाए थे, मैंने उसमें 4,80,000 कर दिए। बाद में 15,000 निकाल लिए, मैंने घटा दिए, तो मुझे 3 रकम यहाँ मिलती है। पहले शुरुआत 4 लाख से हुई, फिर बढ़ाकर 4,80,000 किया गया, फिर 15,000 निकालने से 4,65,000 बचा। सब में रेट 8% ही रहेगा, 8/100 ही रहेगा, रेट तो सबके लिए कॉमन है। इन्होंने 4 लाख रुपए शुरुआत के 3 महीने तक लगाए थे, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई से चेंज
चेंज कर दिया, जुलाई से इनकी कौन सी 480 लगी, जुलाई से लेकर कहां तक फरवरी तक, एक फरवरी तक यानी कि बाकी अगले 7 महीने तक 480,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट रही और फिर 465,000 वो आखिरी के 2 महीने तक इन्वेस्ट रही। आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा, आप भी कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए और इसको आपस में जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 600, ये 600 और ये 36,600 आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे चेक कर लेंगे। जेड की बात की जाए, जेड का कैलकुलेशन मिस्टर एक्स की तरह ही होना है। इन्होंने शुरुआत में 3 लाख लगाए थे, मैंने शुरुआत में 3 लाख रुपए ले लिए, बाद में इन्होंने 50,000 रुपये 50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो मैंने यहाँ लगा दी, यानी शुरुआत में 3 लाख फिर 3.5 लाख हो गए। 8% का रेट है, 8% का रेट लगा दिया मैंने और ये शुरू के 3 महीने अप्रैल मई जून और जुलाई से इन्होंने इनकी कैपिटल बदल गई थी, तो बाकी 9 महीने यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए इनका 27,700। बड़ा आसान सी बात है, होप कि आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी।